नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार एक एविएशन ब्रिगेड को तैनात किया है। इस ब्रिगेड में अटैक हेलीकॉप्टर है, तेजी से सैनिकों को लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचाने के लिए चिनूक और Mi-17 जैसे बड़े परिवहन हेलीकॉप्टर है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निगरानी के लिए ड्रोन भी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़, घाटियों और घने जंगलों के इलाकों में सबसे ज्यादा काम हेलीकॉप्टर आते हैं। यह हेलीकॉप्टर सैनिकों को लाने ले जाने, रसद और गोला बारूद पहुंचाने के, सबसे ज्यादा बीमार या घायल सैनिकों को मदद करने के काम आते हैं। यह मौसम बहुत बड़ी समस्या है और खराब मौसम में घाटियों को पार करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर उसके पायलट दोनों की ही परीक्षा होती है। तेजी से हमला करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर काम आते हैं। असम के मिसामारी में भारतीय सेना का सबसे बड़ा एविएशन बेस है, जहां से दिन रात ये सभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ उड़ान भरते हैं। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि यहाँ मोर्चा संभालने के लिए स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र तैनात है, जो दुश्मन के टैंक या किसी बड़े फौजी ठिकाने को तबाह करने के लिए बहुत कारगर है। जैसे जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आने लगता है कि यहां की चुनौतियां क्या है। LAC के पास सबसे बड़ा शहर तवांग है, जिस पर चीन की हमेशा से नजर है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसके बाद से भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में अपने आप को लगातार मजबूत किया है। जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, पता लगता है कि यहाँ की चुनौतियाँ क्या है। मानसून में तेज बारिश और सर्दियों से बर्फबारी सड़कों को चालू रखने में सबसे बड़ी मुश्किल पैदा करते हैं। पहले तवांग तक पहुँचने का केवल एक रास्ता था, लेकिन कुछ साल पहले तवांग के लिए एक और रास्ता तैयार कर लिया गया है। तीसरे रास्ते पर काम चल रहा है। ज्यादा रास्ते होने से कभी भी सप्लाई लाइन कटने का खतरा नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कारगर टनल्स को उच्च दरों पर पार करने का समय कम लग करती है और कोहरे या बारिश के दौरान भी सड़कें चालू रहती हैं।